1938 में खुला एक ग्रोसरी स्टोर जिसके बाहर खड़ी होती थी बुग्गियां, घोड़े, खच्चर जो उनका सामान इधर से उधर लेके जाया करते थे, आज बन जाती है साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी, जो साउथ कोरिया का टोटल जीडीपी है उसका करीबन 15-17% हिस्सा इसी से आता है, जिस कंपनी को आज सारी दुनिया जानती है सैमसंग के नाम से। आज इसी के कुछ फैक्ट जानने वाले हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ सैमसंग का। ली बयुंग चुल जो कि फाउंडर है सैमसंग के, उन्होंने जन्म लिया था एक अच्छी खासी फैमिली में, पैसा वैसा था उनके पास में। 1938 में इन्होंने अपना एक ग्रोसरी स्टोर खोल लिया था सैमसंग के नाम पे। सैमसंग का मतलब होता है 3 स्टार, सैम का मतलब 3 और संग का मतलब स्टार, तो ये होगी 3 स्टार कंपनी जिसको बोला जाता है सैमसंग। 1950 में जाके इन्होंने अपने सैमसंग के नाम पे काफ़ी ज़्यादा और भी बिजनेस शुरू कर दिए थे, जैसे इंश्योरेंस का, सिक्योरिटी का, रिटेल बिजनेस का। और 1960 में जाके इन्होंने स्टार्टिंग की थी इलेक्ट्रॉनिक में हाथ पांव मारने की। और 1970 में जाके सैमसंग ने बना लिया था अपना पहला 12 इंच का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। और इसी के साथ साथ 1983 में इन्होंने बनाया था अपना पहला कंप्यूटर, और 1985 में जाके इन्होंने बना लिया था अपना पहला सेल फोन। और 2011 में तो आपको मालूम ही है कि ये बन गई थी दुनिया की सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी। तो ये था सैमसंग का छोटा सा फ्लैशबैक जो मैंने आपको दिखाया, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो डाल देते हैं। अब आ जाते हैं कुछ फैक्ट्स पे। सैमसंग का फेसबुक का पेज तो है ही आपको मालूम है, वहां पर कनाडा के एक फैन बॉय ने उनको मैसेज किया कि क्या मुझे एक फ्री का गैलेक्सी S3 मिल सकता है, मैंने आपके काफी सारे प्रोडक्ट खरीदे, मैं बदले में आपको कुछ तो दे नहीं सकता लेकिन एक छोटा सा स्केच बना के दे रहा हूँ, ये ड्रैगन का जो आग छोड़ रहा है। तो यहाँ पे सैमसंग कनाडा ने उनको रिप्लाई किया कि वैसे तो हम एक बहुत बड़ी कंपनी है जो सबको फ्री में नहीं दे सकते, लेकिन क्योंकि हमें आपका ये जो छोटा सा स्केच आपने बनाया है बहुत पसंद आया, इसकी वजह से हम आपको एक फ्री का सैमसंग गैलेक्सी S3 देंगे। जिसको जब उसे दिया गया तो वो भी देख के हैरान रह गया था, क्योंकि वो उसके लिए स्पेशली कस्टम मेड बनाया गया था, उसके बैक पर वही सेम स्केच बना रखा था जो उसने बना के भेजा था। इसी के साथ साथ फ्रंट में भी और उसका जो वॉलपेपर था उस पर भी वही ड्रैगन बना के उसे दिया गया था, क्योंकि उन्हें पसंद आ गई उसका जो आर्ट था, तो ट्राई करने में क्या जाता है, मैं एक बना के आता हूँ। सैमसंग ने सेंट्री गन भी बना रखी है जो एक तरीके की रोबोटिक मशीन गन है, जो थर्मल विजन से इंसान को डिटेक्ट कर लेती है और उसके बाद में उस पर फायर कर देती है। ये बॉर्डर पर लगाई जाती है, जैसे कि साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की उस जगह पर लगा रखी है जहाँ पे नो मैंस लैंड है, किसी को भी आना अलाउड नहीं है, कोई भी घुसपैठ अलाउड नहीं की जाएगी, जिस वजह से ये गन लगा रखी है। और वहाँ पर अगर कोई आता है तो उसको ये बंदूक गोली मार देगी अपने आप ही डिटेक्ट करके अपने थर्मल विजन से। ये रिप्लेस करती है ह्यूमन ओरिएंटेड गार्ड को जो बॉर्डर पर खड़े किए जाते हैं ये घुसपैठ वगैरह रोकने के लिए, वहाँ पर मशीन गन लगा दी गई है जहाँ पर वो काम कर देती है इंसानों का। काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये कहना है कि सैमसंग की खुद की आर्मी है, लेकिन ये सच नहीं है। सैमसंग की आर्मी नहीं है लेकिन वो आर्मी के लिए काम करता है, वो आर्टलरी, जेट इंजन, ये सब चीज़ें पहले बनाया करता था। आज के वक्त में तो खैर वो आर्टलरी का ही काम करता है और इसी के साथ साथ टैंक्स वगैरह में काम कर देता है। जो रोबोटिक वर्क होता है, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ काम है, वो सारा सैमसंग के अंडर में ही आता है। सैमसंग के पूरी दुनिया में करीबन 5 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं, और इसी के साथ साथ सैमसंग के पूरी दुनिया में 1 लाख से भी ज़्यादा पेटेंट्स है, जो एप्पल, LG और कई ऐसी कंपनियों से डबल है। सैमसंग के पास में कई तरीके के रोबोट हैं, लेकिन ये एक अलग ही तरीके का रोबोट है जो है S-रोबोट। जी हाँ, वही जो आप हिंदी में बोल रहे हो, वही वो जब बैठता है उस पर तो चेक करता है कि भाई फ़ोन टूट तो नहीं रहा, फ़ोन को देखने के लिए कि कहीं किसी ने पीछे की पॉकेट में फोन रखा तो वो टूटेगा तो नहीं, तो ये रोबोट वही चीजें चेक करता है। माउंट एवरेस्ट के ऊपर कई सारे रिकॉर्ड बनाए गए हैं, इसी के साथ साथ सैमसंग गैलेक्सी फोन भी एक ऐसा रिकॉर्ड बना चुका है जो किसी भी फोन ने नहीं बनाया था। जी हाँ, जो पहली 3G कॉल की गई थी वो सैमसंग गैलेक्सी के फोन से ही की गई थी, माउंट एवरेस्ट के ऊपर से। ली बयुंग चुल हालांकि इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो ऐसी कंपनी बना गए हैं जिसकी वजह से साउथ कोरिया की सबसे अमीर फैमिली यही फैमिली है। ली बयुंग चुल के जो बेटे हैं, लड़कियां हैं, जिनका भी हिस्सा है सैमसंग के अंदर, वो सबसे अमीर फैमिली है साउथ कोरिया की। एप्पल के डिवाइसेस में जो रेटिना डिस्प्ले लगती है वो एक्चुअली में सैमसंग ही मैन्युफैक्चर करता है, जिससे एप्पल बाय करके अपने लगा लेता है डिवाइसेस में। इसी के साथ साथ एप्पल के आईफोन 4, आईफोन 4S, आईफोन 5, आईफोन 5S में जो CPU चिप लगाई गई थी एक्चुअली में वो सैमसंग ने ही बनाई थी, जिससे उन्होंने खरीद के अपने डिवाइसेस में लगाई थी।
दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी सैमसंग ने ही जीता था। जी हाँ, बुर्ज खलीफा की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे और भी सारी कंपनी थी कॉन्ट्रैक्ट में, जहाँ पर उनका दूसरा काम था, इनका दूसरा डिपार्टमेंट था। बेसिकली 5-6 ठेकेदार या बिल्डर कह लो इकट्ठे कर लिए गए थे, जिन्होंने लेबर ये सब, जो हिंदी में देसी में बताऊँ तो लेबर ले आनी, मिस्त्री ले आना, मटीरियल ले आना, बाकी इनका तो बड़े पैमाने पर काम हुआ होगा, जहाँ पर इन्होंने इंजीनियर वगैरह मटीरियल ये वो अलग अलग जगह पर कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। तो ये सारा काम सैमसंग का था और दूसरी कंपनियों का था, लेकिन सैमसंग मेन कॉन्ट्रैक्टर था बुर्ज खलीफा बनाने में। सैमसंग ने अपना हाथ इलेक्ट्रॉनिक्स में तो डाल ही रखा है, लेकिन 80 से ज्यादा और भी कामों में डाल रखा है, जो कि बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे बुर्ज खलीफा का ले लिया था उनने, इसी तरीके से ऐसे ही कई प्रोजेक्ट वो ले लेता है और उसके बाद में जो वो ठेकेदारों का काम होता है वो कर डालता है। इसी के साथ साथ वो बड़ी बड़ी क्रेनें भी बनाता है और बहुत बड़े बड़े जहाज बनाता है। वो छोटे मोटे जहाजों में तो हाथ डालता ही नहीं है, वो सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट में ही हाथ डालता है, जिसके लिए वो बहुत सारा पैसा भी चार्ज करता है। और ये जो शिप होती हैं ये छोटी मोटी नहीं बल्कि कुछ इस साइज की होती हैं, और जहाँ पर ये शिप्स बनाई जाती है उस एरिया की जगह है करीबन 40 करोड़ स्क्वायर फीट, जो कि करीबन 5204 फुटबॉल स्टेडियम जितनी बड़ी होगी। इसी के साथ साथ साउथ कोरिया के अंदर 390 एकड़ की जगह सैमसंग ने ले रखी है, जिसको बोला जाता है सैमसंग डिजिटल सिटी, जहाँ पर 3 बड़ी बिल्डिंग है, 131 छोटी बिल्डिंग है और वहाँ पर डेली 35,000 लोग काम करने आते हैं। अब आप कहोगे सैमसंग तो बहुत सारे काम करता है। जी हाँ, ये तो काम करता ही है, इसी के साथ साथ वो कुछ नेकी के भी काम कर देता है, जहाँ पर करीबन 100 मिलियन US डॉलर वो हर साल डोनेट कर देता है, जो है उसका नॉन प्रॉफिट मेडिकल सेंटर, जहाँ पर उसके करीबन 1200 डॉक्टर हैं और 2300 नर्सेज हैं, जहाँ पर फ्री में इलाज किया जाता है गरीबों का। सियोल के मैपो ब्रिज पर काफ़ी ज़्यादा सुसाइड हुआ करते थे, जिसके बाद में सैमसंग ने कहा मैं रोकूंगा, देखो मैं क्या टेक्नोलॉजी लगाता हूँ। वहाँ पर एक साइन लगा दिया वहाँ पर, जो मतलब डिस्प्ले था एक तरीके का, जो वहाँ पर लाइट अप हो जाता था जब कोई सुसाइड करने के लिए आता था या फिर खड़ा होने के लिए, फिर उसको मैसेज कर देता था कि भैया ये मत करो, जिंदगी ये है, जिंदगी वो है, जिंदगी झंड है, जिसके बाद में 6 गुना और भी ज़्यादा सुसाइड अटैम्प्ट वहाँ पर होने लग गए। तो ये थे सैमसंग के कुछ फैक्ट्स जो मैंने आपको बताया। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो इसको आप लाइक से दिखाओ कि कितनी ज़्यादा पसंद आई। इसमें एम रखते हैं करीबन 10,000 लाइक्स का, जो अब तक का सबसे ज़्यादा बड़ा टारगेट है लाइक्स का, और अगर ये पूरे हो जाते हैं तो किसी और कंपनी के ऊपर आएंगे और उसके भी कुछ अनजाने फैक्ट जानेंगे शुरू से लेकर एंड तक के। हालांकि सैमसंग के फैक्ट्स यहाँ पर ख़त्म नहीं होते, लेकिन ये तो शुरुआत है, सैमसंग बहुत लंबी गेम खेलने जा रहा है जो बढ़ती चली जाएगी। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आई और इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब करो तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।